हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज एक आर्टिकल है वो आया है इंटरनेट सोलर लेंस के बारे में, एक आर्टिकल है। तो उसके बारे में दो तीन पॉइंट ही आए कि इंडिया की सोलर एनर्जी को लेकर, तो वो हम एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उस आर्टिकल के बारे में वैसे भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। सोलर एनर्जी का जो आर्टिकल है उसमें एक आ गया कि भाई देखो, इंडिया के अंदर जो सोलर पैनल है ना वो तो जनरेट किए जाते हैं, वो होते हैं काफ़ी कॉस्टली, और जो फॉरेन से सोलर पैनल आते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि इंडिया में सोलर पैनल जो बाहर से आते हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, और इंडिया में डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो भी महंगा होता है। तो ऑल ओवर गवर्नमेंट एक साइड तो ये कह रही है कि भाई सोलर एनर्जी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो, वहीं दूसरी साइड क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो सोलर पैनल पे जो चार्ज लग रहा है, ड्यूटी लग रही है, उसको बढ़ा रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को उत्पन्न करना चाहती है तो उसके लिए सोलर पैनल सस्ते होने चाहिए। क्योंकि देखो, जो सोलर पैनल इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है, फिर यूएसए से इम्पोर्ट करता है, वो होते हैं काफ़ी सस्ते, जबकि इंडिया में जो बनते हैं डोमेस्टिक लेवल पर वो होते हैं काफ़ी महंगे। तो ऑब्वियसली कस्टमर को तो सस्ती चीज़ों की जरूरत होती है ना, तो या तो गवर्नमेंट को सस्ते रेट पर प्रोड्यूस करने चाहिए, या फिर जो फॉरेन से जो इम्पोर्ट किए जाते हैं उनको लोगों को अवेलेबल करना चाहिए। जबकि अभी गवर्नमेंट क्या रही है, जो सोलर पैनल इंपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन से उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी से क्या हो जाता है कि जो उनकी प्राइस है वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर को वो चीज़ें महंगी मिलती हैं। सोलर पैनल, अगर कस्टमर को सोलर पैनल महंगे मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो सोलर एनर्जी ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस या सोलर एनर्जी को उत्पन्न करने का जो मेथड है, उसकी जो प्रमोट करने की बात है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगी। इसी के साथ जो गवर्नमेंट के और भी प्रावधान है कि भाई सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए, वो भी नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने चाहिए, और जो एक तरीके से माहौल है वो ऐसा बनना चाहिए कि ताकि लोग सोलर पैनल को आराम से खरीद सकें, और उनके लिए सस्ते सोलर पैनल है वो अवेलेबल करवाने चाहिए गवर्नमेंट को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है खाप पंचायत के बारे में। तो इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, ये मेनली हमारे सोसाइटी के लिए जीएस टू में और जीएस वन में भी इसका यूज़ है वो कर सकते हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि खाप पंचायतों के निर्णय के बारे में, कि आजकल खाप पंचायतों के काफ़ी कुछ ऐसे निर्णय आते हैं, कॉर्नर किलिंग का इश्यू आता है, इसके साथ ही सोसाइटी से बाहर कर देने के काफ़ी सारे केस आते हैं, लो मैरिज के केस में एक्चुअली उनको बायोकार्ड वगैरह करना, वो सारे केसेज यहाँ पे डिस्कस किया गया। और यहां पे डिस्कस किया गया वो क्या गया कि इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी काफी निर्णय दिए हैं इन जो खाप पंचायतों के विरुद्ध, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाप पंचायतें वो कंगारू कोर्ट की तरह हैं, एक्चुअली उनके निर्णय सही नहीं होते हैं, ये वगैरह काफी सारे पॉइंट है, मतलब खाप पंचायतें वैलिड नहीं है। बट फिर भी हमने देखा कि हमारे देश में किस तरीके से नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी खाप पंचायतें वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, और जो ओनर किलिंग की काफी चीजें सामने आती है कि एक बार जब जो कपल होते हैं वो अगर इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं या सगोत्र विवाह कर लेते हैं तो उस वाले केस में भी उनको सारी प्रॉब्लम्स का सामना झेलना पड़ता है, और कई बार उनके पेरेंट्स के द्वारा उनकी हत्या वो कर दी जाती है। तो उन सारे इश्यूज के बारे में आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके निर्णय की बात ऐसी है कि वो कहने की हमारे सोसाइटी के टाइम पे आजकल बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले के टाइम पे तो क्या था कि कोर्ट वगैरह न्यायालय वगैरह प्रॉपर ढंग से एक्टिव वगैरह फॉर्म में नहीं थे, तो उस टाइम पे तो खाप पंचायतों के निर्णय जैसे भी थे चलते थे। बट आज के टाइम पे एक्चुअली जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सभी लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई भी दूसरा आदमी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, चाहे उसने लव मैरिज की हो चाहे उसने कास्ट मैरिज की हो, वो उसका पर्सनल डिसीजन है अगर वो 18 साल या 21 साल के बाद में जब भी वो शादी करता है। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट है उसमें कोई भी अंगुली हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकता है। तो खाप पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो एक्चुअली ओनर किलिंग वगैरह को सपोर्ट करें, फिर ओनर किलिंग को प्रमोट करें, फिर ओनर किलिंग करें, या फिर सोसाइटी के नाम को लेकर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएं जो कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 है डिग्निटी वाला, उसको कहने की उल्लंघन है, उसको क्षति पहुंचाए। इसके बाद में देखो कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा कि देखो, एक तो जो कोर्ट है हमारे देश में उसको कुछ स्पेशल कोर्ट वगैरह या स्पेशल सेल वगैरह का निर्माण करना चाहिए हमारे देश में। इससे क्या होगा कि जो भी ऐसे कपल होते हैं जिनको एक्चुअली बायोकार्ड कर दिया जाता है सोसाइटी से, या फिर वो एक्चुअली लव मैरिज करते हैं, या फिर ओनर किलिंग का कुछ इश्यू होता है ऐसे माहौल में, तो उन कपल को एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। अब देखो होता क्या कि कई बार ऐसे कपल्स हैं वो एक्चुअली उनको कई बार रहने वहने के लिए घर नहीं मिलता है, तो ऐसे माहौल में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ सुरक्षा के लिए स्टेप उठाने की बात की है। इसके बाद में बात कि कुछ उसको असिस्टेंट वगैरह भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, पुलिस वगैरह के द्वारा भी उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि जैसे इंटरकास्ट मैरिज के मुद्दे आते हैं, इस मुद्दे पर भी पुलिस को सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा देखा गया कि पुलिस वगैरह वो भी कहीं ना कहीं इन राइट्स का मिसयूज करती है, और सगोत्र विवाह होता है, फिर खाप पंचायतों के जो भी कोई निर्णय होते हैं ना, इनके को भी पुलिस कई बार सपोर्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही बात ये आती है कि अभी ये निर्णय सामने है कि भाई अगर खाप पंचायतों की कहीं भी कोई मीटिंग है, कोई पंचायत बैठ रही है ना, तो उस पंचायत की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वीडियोग्राफी क्यों होनी चाहिए? ताकि खाप पंचायत का क्या निर्णय था वो एक्चुअली सब लोगों को क्लियर हो सके। क्योंकि एक बार देखो क्या करते हैं, खाप पंचायतें बोलते हैं कि भाई हम तो सोसाइटी को अवेयर कर रहे थे, हमने तो कोई ऐसा निर्णय लिया ही नहीं था, ये गलत हमारे बारे में धारणा वगैरह फैलाई जा रही है। तो अगर वीडियोग्राफी होगी तो ऑब्वियसली वो अपने जो भी उन्होंने बात की उस बात से वो मुकर नहीं पाएंगे, तो इससे हमारी सोसाइटी में जो भी मुद्दे उसमें क्लियरिटी आएगी।
इसके देखो बाद में बात की जा रही है कि सोसाइटी में जो आज के टाइम पे भेदभाव उसके कि आज के टाइम पे हमारे देश में सोसाइटी में काफ़ी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। बात ऐसी नहीं है कि ओनर किलिंग या जो इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर लव मैरिज का मुद्दा हो इसके ऊपर ही, यूँ जातियों के आधार पर भी भेदभाव वो लगातार बढ़ता जा रहा है कम होने की वजह। और एक इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न बताया जा रहा है कि हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज है वो भी कहीं ना कहीं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी होती है कई बार जो पेरेंट्स हैं वो चाहते भी नहीं है कि भी वो ओनर किलिंग करें, बट उनके ऊपर सोसाइटी का या पंचायत का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि उनको अपने बेटे बेटे या किसी की भी उनको हत्या वो करनी होती है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि सोसाइटी नाम का बोझ, जिसकी वजह से वो लोग कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन वगैरह वो नहीं ले पाते हैं। तो ये भी हमारे देश में कहीं ना कहीं हायरार्की सिस्टम चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आती है कि देखो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप तो उठानी है, इसी के साथ ही गवर्नमेंट को एक सख्त कानून है वो बनानी चाहिए। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई गवर्नमेंट इतने स्ट्रॉन्ग कानून बनाएगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा। स्ट्रॉन्ग कानून बनाने से फ़ायदा होगा कि एक शुरुआत तो की जाएगी ना एक्चुअली, क्योंकि देखो खा पंचायत को फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि भाई अगर हमारा केस अगर कोर्ट में जाता है तो एक्चुअली कोर्ट इसके खिलाफ काफ़ी सख्त है तो हमें कहीं ना कहीं सजा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो केसेज में कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। क्योंकि देखो अभी क्या है कि हमारे देश में खा पंचायतों के विरुद्ध कोई ऐसा एक्ट वगैरह ढंग से काम नहीं कर रहा है और ना ही खा पंचायतों के विरुद्ध में कोई इस तरह की एक्टिव फॉर्म वगैरह में आ रहा है। तो अगर एक्ट वगैरह बहुत सख्त बन जाएंगे तो ऐसे माहौल में क्या होगा, अगर कानून बहुत सख्त होगा तो खा पंचायतें अपने आप जो इस तरह के निर्णय हैं ओनर क्लेम वगैरह के या फिर जो सोसाइटी से बाहर करने का निर्णय, ऐसे निर्णयों में कमी आ जाएगी, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि यार अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें जेल में डाल सकती है, हमें सजा वगैरह हो सकती है। इसके साथ ही बात यह है कि सिविल कोर्ट्स है ना उनको भी अच्छे से काम करना होगा। कई बार ऐसा देखा गया कि सिविल कोर्ट्स हैं वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं, डिसीजन काफ़ी लेट वगैरह आते हैं, तो उससे माहौल में क्या होता है कि जो भी विक्टम होता है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना वो करना पड़ता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप हैं वो उठाने चाहिए। इसके साथ ही बात ये आती है कि देखो हमारे देश में जो जिम्मेदारी है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करें, इसलिए सरकार का हक बनता है कि जगह कहीं भी ओनर किलिंग का या फिर लव मैरिज का कोई इश्यू आता है या फिर इंटरकास्ट मैरिज के मुद्दे में अगर खाप पंचायत को निर्णय सुनाती है तो जो पुलिस है वो एक्चुअली उस कपल वगैरह को सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करे, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी अहम हो जाती है और ये हमारे देश में फंडामेंटल राइट बन जाता है हर इंसान का। आर्टिकल 21 आप जैसे जानते हो कि भाई सिक्योरिटी वो पुलिस का काम होता है और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन का काम है वो वैसे भी स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों की सुरक्षा वो करे। बात ये नहीं है यहाँ पे कि उसने इंटरकास्ट मैरिज वगैरह की वो यहाँ पे मुद्दा नहीं है, यहाँ पे है कि भाई जब वो एक्चुअली एडल्ट हो चुका है तो ऐसे माहौल में अपने निर्णय खुद ले सकता है, तो उसमें कोई खा पंचायत डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कोई भी एडल्ट अगर आपस में शादी कर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज या फिर कोई भी लव मैरिज कर रहे हैं तो उसमें खा पंचायत कोई भी हस्तक्षेप वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनका खुद का डिसीजन है, इसमें उनको उनकी प्राइवेसी और उनको जो आर्टिकल 21 है उसकी बात यहाँ पे आ जाती है फिर घूम फिर के वापस कि भाई उनके आर्टिकल 21 के तहत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी अहम हो जाता है और उनकी राइट टू प्राइवेसी वो भी यहाँ पे काफ़ी अहम है वो हो जाती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, जो हमने पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्चुअली SC ST एक्ट 1989 के बारे में है। तो SC ST एक्ट 1989 है, इसके बारे में एक्चुअली अभी आजकल न्यूज़ में और आज इसके बारे में आर्टिकल है, तो उसमें क्या है वो देखते हैं। देखो SC ST जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है हमारे देश में उनके लिए एक्ट बनाया गया था 1989 में। इसके बाद में इसमें संशोधन करके 2002 के आसपास इसमें कुछ और नए संशोधन करके इसको काफ़ी सख्त है, काफ़ी कठोर बना दिया गया था ताकि SC और ST के खिलाफ हमारे देश में जो क्राइम हो रहे हैं ना उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि देखो जब भारत आज़ाद होता उस टाइम पर ये बात सारी चीज़ें सामने आ रही कि भाई जो SC ST के जो लोग होते हैं उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वगैरह होता है, कई बार उनको जाति सोचे गालियां दी जाती है, कई बार उनको खाने पीने में मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे वर्डिक्ट दिया और 2002 के आसपास उन्होंने क्लियर गाइडलाइन जारी की और इस एक्ट को काफ़ी कठोर बनाने का निर्देश दिया और उसके बाद पार्लियामेंट ने इस एक्ट को कठोर भी बना दिया था ताकि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ कोई भी जाति सूचक वर्ड यूज़ करता है या उनको कोई भी गाली वगैरह कुछ भी देता है तो ऐसे माहौल में ना तो उनको बेल मिलेगी जो भी आरोपी है उसको, और ना ही उसको जमानत मिलती है और ना ही उनको अग्रिम जमानत भी मिल पाती है। मतलब काफ़ी मुश्किल केस हो जाता है कि ऐसे मामलों से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी देखो बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना नया वर्डिक्ट ये दिया रिसेंटली कि भाई इस जो है ना SC ST एक्ट इसका काफ़ी उल्लंघन हो रहा है आजकल, मतलब उल्लंघन का क्या है, उल्लंघन है सॉरी मिसयूज़ बोल सकते हैं कि SC ST एक्ट 1989 इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि झूठा मूठा किसी इंसान को फंसा दिया जाता है जिसकी कोई गलती नहीं होती, इनोसेंट जो लोग होते हैं उनको फंसा दिया जाता है झूठा इस नाम पे कि दूसरे काम के लिए रीजंस की वजह से उनको दबाव डाला जाता है। तो मतलब इस एक्ट का काफ़ी मिसयूज़ होने की बात सामने आती है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा डायल्यूट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एक तो पुलिस है वो वेरीफाई करेगी, अगर बात की जाती है कि किसी भी सिविल अधिकारी का इश्यू यहाँ पे आता है तो सिविल अधिकारी अगर कोई भी ऐसा क्राइम वगैरह कुछ करता है तो उसके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेने के बाद ही उसको उसके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह वो की जा सकती है। ये देखो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी वगैरह, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा भेदभाव होता है तो ऐसे माहौल में जो वहाँ के एसपी वगैरह डीएसपी वगैरह हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई केस है नहीं है, तभी उनको एक्चुअली सज़ा वगैरह है, तभी उनको बेल वगैरह जमानत वगैरह का मामला है वो होगा, मतलब तभी उनको जमानत वगैरह नहीं मिलेगी और उनको उनको जेल में डाल दिया जाएगा, तभी प्राप्त कार्रवाई वगैरह होगी। तो अभी देखो राइटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आज भी भेदभाव वो कम नहीं हो रहा है, आज भी हमारे देश में भेदभाव की समस्या वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिए। हाँ देखो वो बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, बट मिसयूज़ का ये तो मतलब नहीं है ना कि गवर्नमेंट को इसे डायल्यूट कर देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे देश में जो आतंकवाद के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसमें काफ़ी कम लोगों को सजा होती है, मतलब जो एक तरीके से जो कन्वेंशन रेट है वो बहुत कम है आतंकवाद के केसेज में, तो ऐसे माहौल में ये थोड़े कि जो आतंकवादियों के जो केसेज हैं उसको सुप्रीम कोर्ट लड़ने के लिए मना कर देगी, नहीं बीस या तो इसमें तो बहुत ज़्यादा केसेज वो फर्जी होते हैं, ऐसे ऐसे केसेज हैं तो इनको ऐसा वगैरह नहीं लेना चाहिए। कन्वेक्शन रेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि 100 केसेज फाइल किए गए तो उनमें से अगर 10 केस हैं वही ओरिजिनल या ऑथेंटिक हैं, उनका डिसीजन सही आ रहा है तो वो हो गया कि वो उसकी कन्विक्शन रेट है वो 10 हो गई। मतलब तो यहाँ पे एक आ जा रहा है कि जो SC ST के जो केस है ना उसमें से देखा जाए तो अभी 28% के आसपास केसेज हैं वही कन्विक्शन रेट है यहाँ की, मतलब 100 में से केवल 28 के आसपास केसेज हैं वो एक्चुअली वैलिड होते हैं, बाकी केसेज तो फर्जी होते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट को डायल्यूट तो नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ कठोर नियम वगैरह जरूर बनाने चाहिए कि भाई इसका मिसयूज वगैरह वो ना हो सके। इसके साथ ही बात ही आती है कि जो अग्रिम जमानत का इश्यू है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अग्रिम जमानत वगैरह वो भी मिल जाएगी आरोपी को अगर जब तक केस वगैरह में एकदम क्लियर वगैरह पारदर्शिता नहीं आती कि हाँ भाई ऐसा हुआ है नहीं होता, क्योंकि मिसयूज के मुद्दे पे ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइटर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को रूल है वो डायल्यूट इतने नहीं करने चाहिए, पहले सुप्रीम कोर्ट को वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद में स्टेप उठाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए कि भाई जो केसेज वैलिड है ना उनका भी एक्चुअली कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना चाहिए ना, क्योंकि देखो इससे ये हो जाएगा अभी अगर रूल डायल्यूट हो गए ना तो जो दलितों के खिलाफ जो भेदभाव होते हैं हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि यार जो दलित लोग उनको ऐसा फील होगा कि यार अगर हम तो कोई भी केस करने जाएंगे कोर्ट के अंदर तो कोर्ट से हमारी सुनवाई करेगा नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ कठोर कानून तो है नहीं, तो कोर्ट पुलिस वाले हमें ऐसे नानुकूर करते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे देश में जो समस्या है वो ज़्यादा गंभीर बनती जा रही है, इसलिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हेल्थ के बारे में है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें मेनली इंडिया और वियतनाम को कंपेयर किया गया हेल्थ सेक्टर में, और हेल्थ के साथ वुमेन का इश्यू को भी यहाँ पे मेनली वुमेन का इश्यू है कि भाई वुमेन का जो हेल्थ है वो कैसे है, इसके साथ हमारे देश में क्या क्या कमियां हैं वो सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। देखो इस आर्टिकल में सबसे पहले वियतनाम और इंडिया को दोनों को कंपेयर किस आधार पे किया गया है, इसमें ये किया गया कि सोशल इंडिकेटर के आधार पे कि वियतनाम के जो सोशल इंडिकेटर है ना वो इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं। कौन कौन से लेवल पर, मतलब बात ऐसी है कि वियतनाम में वुमेन का जो लेबर फोर्स में रोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया से, इसके साथ वहाँ की जो लेजिस्लेचर जो विधायिका है कार्यपालिका होगी विधानसभा होगी स्टेट पे या उनमें भी देखा जाए तो वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे वुमेन का रोल काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही अगर चाइल्ड मृत्यु रेट देखोगे, मातृत्व मृत्यु रेट देखोगे तो वो भी बहुत कम है इंडिया से, शिशु मृत्यु दर देखोगे तो वो भी वहाँ पे बहुत कम है। हेल्थ और जो भी सिक्योरिटी के जो इंडिकेटर हैं वो वहाँ पे वियतनाम में अच्छे हैं। मतलब ऑल ओवर बात यह है कि वियतनाम में वुमेन की जो कंडीशन है ना वो इंडिया से काफ़ी अच्छी है। आप ध्यान से सुनना, वियतनाम में सोशल इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, कम इंडिया के हालात में वहाँ पे वुमेंस की हालत है वो ज़्यादा अच्छी है, बट एक मामला ऐसा है जहाँ पे वियतनाम और इंडिया दोनों इक्वल हैं और वो दोनों ही के लिए काफ़ी चिंताजनक है, वो मामला है सेक्स रेशियो एट बर्थ। अब भाई सेक्स रेशियो एट बर्थ है क्या, इसे देख लेते हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया का या किसी भी कंट्री का ले लो, कि जैसे 100 फीमेल मतलब पैदा हुई, 100 फीमेल की बर्थ हुई, ऐसे में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो बच्चों जो मेल बच्चे हैं उनकी संख्या हो रही है वो 111, मतलब जहाँ 100 बच्चियाँ पैदा हो रही हैं वहीं पर 111 है वो लड़के पैदा हो रहे हैं, मेल पर्सन पैदा हो रहे हैं, तो वो होती है सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो अभी इंडिया में भी 111 है और यह देखा जाए तो यह वियतनाम में भी 111 है। तो ये 111 का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मेल जो पर्सन है उसके प्रति ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंडिया में भी और वियतनाम में भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कमी है। इसका मतलब क्या है, क्या कमी है कि जैसे एक तो हमारे में सोसाइटी में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में नहीं इवन ये वियतनाम में भी ऐसा ही हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि एक तो जैसे कि सेक्स का पहले से डिटर्मिनेशन वगैरह कराना, सेक्स सेलेक्टिव वगैरह काम प्रोग्राम चलाना, ये भी भ्रूण हत्या वगैरह के जो केसेस हैं वो इंडिया में भी हो रहे हैं और वियतनाम में भी हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फीमेल की रेट हो जाती है, जो फीमेल बर्थ रेट है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी कम होती है और वहाँ भी और कंट्रीज में भी कम होती जा रही है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ना वो 106 से 108 के आसपास ही होना चाहिए, नॉर्मली इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 106 से 108 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो इसका
इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं जहाँ पे मेल मेल पर्सन को ज़्यादा तवज्जो वो दी जा रही है। बट सबसे चिंताजनक बात यहाँ पे ये आ रही है कि देखो भाई, इंडिया के अंदर तो सोशल इंडिकेटर ठीक नहीं है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि यहाँ पे तो फीमेल को वैल्यू नहीं दी जाती और मेल को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। बट वियतनाम को तो सोशल इंडिकेटर कुछ ऐसा शो कर रहे हैं कि वहाँ पे तो वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी है, उसके बाद भी वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा होने के बावजूद भी वहाँ पे जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसके रीजन क्या क्या रीजन्स है वो यहाँ पे बताए गए हैं कि देखो कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टेप उठाने होंगे हमें और कुछ कमियाँ वो भी यहीं पे हैं। तो क्या क्या हमें स्टेप उठाने की ज़रूरत है जिनसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, और यही एक्चुअली कमी है, ये स्टेप उठाना है। एक तो देखो हमारी सोसाइटी और हमारे देश में इस चीज़ को सोचा जाता है कि अगर जैसे लड़का पैदा होगा तो वो बुढ़ापे का सहारा होगा, तो एक तो जो लोगों की ये थिंकिंग है ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी के साथ गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ क्लियर प्रावधान करने चाहिए ताकि बुढ़ापे के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाए जा सकें ताकि वो एक्चुअली लड़के लड़कियों पर निर्भर वगैरह ना हो, या फिर उनके लिए कोई भी ऐसे स्टेप हो कि भाई लड़की है वो भी सेवा वगैरह, कुछ प्रावधान क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी लोग ये सोचते हैं कि यार लड़की तो शादी होकर अगले घर में चली जाएगी और लड़का है वो हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो इसलिए लोग है वो मेल पर्सन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो मेल पर्सन को ज़्यादा वैल्यू और दर्जा तवज्जो है वो दी जाती है। इसके बाद में बात यह आती है कि जो भ्रूण हत्या होती है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानून है वो बहुत कठोर होने चाहिए और जो आरोपी होते हैं जिनको जिन्होंने गलती की है क्राइम किया उनको सज़ा होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। मतलब जिन्होंने गलती की चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो सज़ा होनी चाहिए। और सेक्स सिलेक्शन की जो बात आती है कि भ्रूण हत्या होगी या फिर जैसे कई बार पहले सेक्स वगैरह चेक करवा लेते हैं तो उस चीज़ के ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त कानून लेकर आने चाहिए ताकि लोगों में और डॉक्टर में भय बने कि यार मैंने अगर ऐसा क्राइम किया तो मेरे को सजा हो जाएगी तो मैं ऐसा काम नहीं करने वाला। इसके बाद में बात आती है कि इक्वल इनहेरिटेज लॉ की। इक्वल इनहेरिटेज लॉ का मतलब यहाँ पे है कि देखो आजकल होता क्या हमारे सिस्टम में नॉर्मल कि जो मेल और फीमेल होते हैं जैसे कि लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की जब अगले घर जाती है तो मेनली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी है वो लड़के के नाम ही कर देते हैं कि यार नहीं ठीक है प्रॉपर्टी इसी के नाम है। कानून बनाया हुआ है देखो हमारे देश में कि दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को, लड़के और लड़की को, बट होता क्या है इनकी नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है तो वो मेल पर्सन के पास ही रखी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो हेरिटेज लॉ है इसमें भी हमें समानता है वो लेके आनी होगी, इसमें जो एक्चुअली क्लियर प्रावधान है वो करने होंगे। ऐसा नहीं हो कि मेल पर्सन को यहाँ पे तवज्जो दी जा रही हो, मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि जो कल्चरल थिंकिंग है ना हमारी सोसाइटी में इसको हमें खत्म करना होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी एक धारणा बन गई लोगों की कि अगर मेल पर्सन पैदा हो रहा है तो वो हमारे लिए सब कुछ भला करेगा और फीमेल है वो कुछ नहीं करने वाली। तो जो लोगों की थिंकिंग है सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी की थिंकिंग को हमें चेंज करना होगा तभी जो हम अच्छे स्टेप उठा सकते हैं और जो हमारे देश की नीड है उसको हम कंप्लीट यहाँ पे पूरा वो कर सकते हैं। तो ये था जो कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आज का जो एक आर्टिकल है वो रह गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो उस आर्टिकल को हम एक्चुअली कल की डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, एक्चुअली लाइट वगैरह का इश्यू हो गया था। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।